अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन का जो डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन होता है उसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल बी रिवाइजिंग द शॉर्टकट्स, द ग्रेट शॉर्टकट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और हम ये भी देखेंगे कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो बनाई किस तरह जाती है। तो रिफ्लेक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई रिफ्लेक्शन हमेशा किसी लाइन के अकॉर्डिंग होती है। तो हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन लाइन भी कहते हैं, तो वो मेंशन होनी चाहिए या वो हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो हमें अपना पूरा प्रोसीजर करना पड़ता है। अगर वो आपको मेंशन होगी तो आपको इमेज बनाना पड़ेगा, अगर आपको वो मेंशन नहीं होगी तो वो उसने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज बना के दिया हुआ होगा, आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये दो ही केसेस होते हैं। तो हम लोग कुछ शॉर्टकट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये बात याद रखो कि रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी लाइन के अकॉर्डिंगली हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यही चार लाइन्स हैं, रिफ्लेक्शन इन्हीं चार लाइन्स के अकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्लांट है, कोई भी लाइन हो सकती है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, वो तुम्हें बनानी भी आनी चाहिए और तुम्हें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए कि भाई ड्रॉ कैसे होती है, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्ट को जो है ना वो रिफ्लेक्ट करना भी आना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्ट कैसे होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अदर देन दीज फोर लाइंस कोई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन अगर देता है वो और बोलता है कि इसको रिफ्लेक्ट करो, बना के दे रहा है लाइन, ठीक है। तो देखो दोनों तरह के केसेस आ सकते हैं, मे बी पॉसिबल कि वो आपको बना के दे दे ग्रिड पे लाइन, या वो आपको बोले कि भाई ड्रॉ भी लाइन खुद ही करो, ठीक है। तो आपको लाइन ड्रॉ भी करनी आनी चाहिए कि ग्रिड पे अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दूँ तो लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। तो वो ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, राइज अप ऑन रन, तो वो उससे ड्रॉ होती है। अच्छा, अब अगर अदर देन इन फोर लाइंस के अलावा कोई वो इक्वेशन उसने दी हुई और बोला है उसको रिफ्लेक्ट करो, तो फिर ये शॉर्टकट्स आप यूज़ नहीं करोगे, फिर आप बॉक्सेस काउंट करके जो है ना वो अपना इमेज बनाओगे। आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से या मिरर लाइन से कितना दूर है, वहाँ से बॉक्सेस काउंट कर जो है ना काउंट करके आप अपना इमेज बनाओगे। लेकिन अगर यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो यू कैन यूज़ दीज शॉर्टकट्स, आप इनको याद कर लो, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे ये, तो इनको आप यूज़ करके बिल्कुल अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो बिल्कुल बना सकते हो। अच्छा, पहले शॉर्टकट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। वाई एक्सेस आपको पता है, ठीक है, अगर ये फिगर देखो तो ये वाला जो है ये वाई एक्सेस है और ये जो है ये बेसिकली आपके पास एक्स एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉइंट है 1 और 3 और उसने आपको बोला है कि इसको रिफ्लेक्ट करो इन एक्स एक्सिस, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो वाई वाला साइन है ना वो अपोजिट कर दोगे। तो इस वक्त वाई जो है वो +3 है, आप इसको -3 कर दोगे, आपको आपका रिक्वायर्ड इमेज मिल जाएगा। अगर उसने बोला है कि नहीं, इस पॉइंट को अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जो है ना ये रिफ्लेक्ट करो, तो आप क्या करोगे, चूंकि उसने वाई एक्सिस बोला है तो अब आप एक्स का जो साइन है वो चेंज कर दोगे बस। तो आपके पास जो पॉइंट था वो था 1 और 3, तो अब आप क्या करोगे, 1 का साइन जो है वो पॉजिटिव है, अब आप लिख दोगे -1 और 3, 3 का साइन अब आप चेंज नहीं करोगे, आपको आपका रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, जो इमेज है वो मिल जाएगा। ज़्यादातर वो हमें ट्राइंगल ही देता है, तो हमने ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए और ये वाले शॉर्टकट्स जो है वो अप्लाई कर दिए। अच्छा, अब वो कहता है रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल्स टू एक्स। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्या चीज़ है भाई, ये भी स्लांट लाइन है क्योंकि इसमें वाई भी नज़र आ रहा है, एक्स भी नज़र आ रहा है, ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है और उसका ग्रेडियंट है +1। तो ये मैंने आपको यहाँ एक लाइन बना के दिखाई है रफ, ये ओरिजिन से पास हो रही है इसीलिए यहाँ कोई सी नहीं है, वाई इंटरसेप्ट कोई भी नहीं है, ग्रेडियंट इसका 1 है, मतलब 1 rise और 1 run, एक ऊपर जा रहा है और एक आगे जा रहा है, इस तरह जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट आता है। तो इसका ग्रेडियंट जो है वो 1 है क्योंकि ग्रेडियंट जो है उसका फॉर्मूला ही होता है राइज अपॉन रन। तो ऐसी लाइन अगर होगी तो आप क्या करोगे, आप स्वैप करोगे बोथ प्लेसेस, मतलब एक्स और वाई की जो पोजीशंस है उनको स्वैप करोगे और आप साइन चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉइंट आ रहा है 1 और 3, तो आप इन दोनों की पोजीशन स्वैप कर दोगे, बस 3 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 जो है वो 3 की जगह पे चला जाएगा, तो ये 3-1 बन जाएगा। और फाइनली अगर वो कहता है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आप स्वैप करोगे दोनों को और साइन भी चेंज करोगे दोनों के, ये रूल कहता है। तो आपके पास जो है वो 1 और 3 है, तो पहले आपने इनको स्वैप किया, दोनों काम एक साथ नहीं करने, पहले आप इनको स्वैप करो, ये बन जाएगा 3-1, अब आप दोनों का साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा -3 और -1, इससे आपका रिक्वायर्ड इमेज जो है वो बन जाएगा। याद रखना कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये सिर्फ इन चार लाइंस के ही हैं, अदर देन अगर कोई लाइन आती है तो फिर आप बॉक्सेस काउंट करके जो है ना वो अपना इमेज ड्रॉ कर लेना।
y इज इक्वल टू x में आप स्वैप करोगे, साइन नहीं चेंज करोगे, y इज इक्वल टू माइनस x में आप स्वैप भी करोगे और साइन भी चेंज करोगे। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कैसे की जाती है, अगर फर्ज करो उसने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दे दिया और बोला कि भाई बताओ कि ऑब्जेक्ट किस लाइन के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑब्जेक्ट और इमेज के जो है वो सेलेक्ट कर लो और उन दोनों का एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर बायसेक्टर कैसे ड्रॉ करते थे, आधे से ज़्यादा कंपास ओपन करके दो आर्क्स ऊपर लगाते थे, दो आर्क्स जो है वो नीचे लगाते थे, तो वो जहाँ कट करती थी वहाँ से आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर देते थे। तो ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ हुई है दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको सिर्फ एक पेयर सेलेक्ट करना है लेकिन कोशिश करना कि वो कॉरस्पॉन्डिंग हो, मतलब सेम पोजिशन वाले जो है वो वर्टिसेस हो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो तो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी।